डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा फील्ड है जो कि रैपिडली डे बाय डे ग्रो करते जा रहा है, बिकॉज हर नया से नया स्टार्टअप हो या बड़े से बड़ा ब्रांड हो, हर किसी को डिजिटल मार्केटर की जरूरत पड़ती है। अगर आप भी जो है अपने करियर को ट्राई करना चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, तो यहां पर आपके लिए टीजीएम इन्फोटेक जो है लिख रहा है फ्री लाइव क्लासेस, जो कि 2 महीने की होंगी और जहां पर क्या क्या आपको पढ़ाया जाएगा, तो चलिए वीडियो में एंड तक देखते हैं। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं फ्री में, सिर्फ सीरियस लोग चाहिए, अगर आप वाकई डिजिटल मार्केटिंग जो है वो भी बिगनर से लेके एडवांस लेवल तक पूरा सीखना चाहते हैं, तो जल्दी से आपने क्या करना है, वीडियो को कंप्लीट करना है और जो भी इसके एंड में आपको कॉल टू एक्शन होगा उसको परफॉर्म करना है, यानी कि आपको प्रोसेस बताया जाएगा कि किस तरीके से आप ये कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और चल के पहले आपको बता दूं, यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट आप बनेंगे, यानी कि बिल्कुल बिगनिंग से लेके एडवांस लेवल तक जाएंगे, जिसका कॉस्ट हमने फ्री रखा है। और ये जो बैच है वो 2 जुलाई से स्टार्ट होने वाला, जिसका टाइमिंग जो है वो इवनिंग में 5 PM से रहेगा। संडे को छुट्टी रहेगी, बाकी संडे और मंडे छुट्टी रहेगी, ट्यूजडे से सैटरडे तक जो है ये आपका लाइव क्लासेस आपको मिलने वाली है। अब इसमें आप क्या पढ़ेंगे, तो बेसिकली इसके अंदर जो है 25+ मॉड्यूल्स हम यहाँ पे कवर अप करेंगे, जो अभी 1 by 1 करके मैं आपको दिखा भी रहा हूं, और 30 असाइनमेंट्स मिलेंगे, यानी कि आपको यहाँ पे एक, इसीलिए बोला मैंने एकदम सीरियस लोग चाहिए जो वाकई अपने करियर को डिजिटल मार्केटिंग के अंदर यूज करना चाहते हैं, तो 30 असाइनमेंट्स भी आपको मिलेंगे और एक लाइव प्रोजेक्ट लेंगे जिसके ऊपर में हम पूरा का पूरा जो काम है वो कंप्लीट करेंगे डिजिटल मार्केटिंग का, और 30+ मार्केटिंग जो टूल्स वगैरह होते हैं उसका हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। सो बेसिकली सबसे पहले हम यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग लेंगे, बिकॉज मुझे नहीं पता कि आपको डिजिटल मार्केटिंग का कितना नॉलेज है, लेकिन मैं सभी स्टूडेंट्स को एक साथ एक ही तरीके से लेके जाने वाला हूं, तो इसीलिए यहां पे जो है सबसे पहले हम कवर अप करने वाले हैं। जो पहला मॉड्यूल रहेगा अंडरस्टैंडिंग अबाउट डिजिटल मार्केटिंग, उसके बाद में डेफिनेटली डिजिटल मार्केटिंग है तो कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जिसको वर्बली एक्सप्लेन किया जा सके, तो प्रैक्टिकल चीजें करनी पड़ेंगी। तो ये जो कोर्स है वो आपका 97% आपका प्रैक्टिकल होने वाला है, तो यहां पर डोमेन्स, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग है तो डोमेन तो चाहिए होगा, डोमेन एंड होस्टिंग, आप चाहें तो आप भी मेरे साथ साथ में अपना खुद का डोमेन ले सकते हैं, होस्टिंग ले सकते हैं, अगर नहीं लेना कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पे मेरे ही रिसोर्सेस का इस्तेमाल करके यहाँ पे पूरा दिखाने वाला हूं। देन उसके बाद में जो है वर्ड, हमने डोमेन बुक कर लिया, होस्टिंग बुक कर ली, अब उसके ऊपर में एक वेबसाइट बनाएंगे, और वेबसाइट बनाने के बाद का जो आगे का डिजिटल मार्केटिंग का प्रोसेस होगा उसको आगे बढ़ेंगे। और वेबसाइट को बनाने के लिए हम यहाँ पे वर्डप्रेस का इस्तेमाल करेंगे, जो कि हमारा 3rd मॉड्यूल होने वाला है, जिसके अंदर आपको कोडिंग आती है या नहीं आती कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत ही इजी तरीका बताऊंगा फ्री के टूल का इस्तेमाल करके, बहुत ही बेहतरीन वेबसाइट कैसे आप बना सकते हैं। और डेफिनेटली वेबसाइट बनाते हैं तो उसके अंदर हमें कुछ ग्राफिक्स का भी इस्तेमाल करना पड़ता है, तो हम यहाँ पे कैनवा का इस्तेमाल करके डिजाइनिंग करना सीखेंगे, और साथ ही साथ यहाँ पे फोटोशॉप के बारे में भी आपको कुछ पार्ट, 100% नहीं, कुछ पार्ट जो है आपको फोटोशॉप का इस्तेमाल करना सिखाया जाएगा, सो दैट कि अगर आप खुद के लोगो वगैरह बनाना चाहते हैं, खुद का डिजाइन करना चाहते हैं, क्योंकि कैनवा का इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली वहां पे हालांकि सब कुछ किया जा सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस रह जाते हैं, तो यहां पर वो चीज जो है आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट रेडी हो गई, हमारे कुछ ग्राफिक्स वगैरह रेडी हो गए, अब बात आती है एसईओ की, तो यानी कि हम यहाँ पे लोकल एसईओ करेंगे, स्टेप बाय स्टेप पूरा कोर्स हम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में एसईओ में हम जो है ऑन पेज एसईओ करना सीखेंगे, ऑफ पेज एसईओ करना सीखेंगे, और उसके बाद में जो है लीड जनरेशन का, यानी कि वेबसाइट भी रेडी होगी, उसके बाद में चाहिए होती है लीड्स, तो लीड को जनरेट करने के लिए हमें चाहिए होता है एक लैंडिंग पेज, तो हम यहाँ पे लैंडिंग पेज को डिजाइनिंग करने के लिए भी पूरा प्रॉपर तरीके से सीखने वाले कि कैसे लैंडिंग पेज जो है हम डिजाइन कर सकते हैं। और फाइनली लैंडिंग पेज रेडी हो चुका है, और लैंडिंग पेज रेडी होने के बाद में लीड्स जनरेट करनी है, तो लीड्स के लिए हम अलग अलग तरीके से मार्केटिंग करते हैं, और जिसमें हम सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे गूगल का सपोर्ट लेंगे, जिसमें आपका गूगल सर्च कंसोल हो गया, फिर गूगल एनालिटिक्स हो गया, गूगल का माई बिजनेस हो गया, देन सर्च गूगल की जो पेड एड्स होती हैं, सर्च एड्स होती हैं, वीडियो एड्स होती हैं, डिस्प्ले एड्स होती हैं, शॉपिंग एड्स होती हैं,
राइट, ये सब हम यहाँ पे कवर अप करने वाले हैं। देन उसके साथ में पैरेलली अगर आप ऑर्गेनिकली आगे बढ़ना चाहते हैं तो सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गया और वेबसाइट हो या ब्लॉग्स राइटिंग हो, तो उसके ऊपर में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कॉन्टेंट का, राइट, क्योंकि कॉन्टेंट को किंग बोला जाता है, कॉन्टेंट इज किंग। तो कॉन्टेंट आपको राइटिंग जो है यहाँ पे सीखेंगे कि अगर आपके पास में कॉन्टेंट राइटिंग स्किल्स नहीं है तो किस तरीके से आपको जो है ये कंटेंट राइटिंग स्किल्स जो है एनहेंस की जा सकती हैं, क्या क्या टेक्निक या क्या ऐसे टूल्स हैं जिनका आप इस्तेमाल करके बहुत बेहतरीन कंटेंट जो है वो राइट कर सकते हैं। फिर आपका लोगो डिजाइनिंग पूरा प्रॉपर तरीके से आपको सिखाया जाएगा कि एक लोगो को डिजाइन करने के लिए क्या कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अब डेफिनेटली डिजिटल मार्केटर है तो आपको HTML, CSS और JavaScript का भी बहुत डीप नॉलेज नहीं, लेकिन एक ओवरव्यू जो है वो होना चाहिए, तो जो कि आपको यहाँ पे साथ में दिया जा रहा है। इसके बाद हमारे पास में आ जाता है गूगल का रीमार्केटिंग। अब रीमार्केटिंग कह लो या परफॉर्मेंस मार्केटिंग कह लो, तो ये क्या होता है, कैसे काम करता है, वो भी यहाँ पे कवरअप रहेगा। देन गूगल का टैग मैनेजर किस तरीके से काम करता है, ईमेल मार्केटिंग कैसे होती है, ब्लॉगिंग कैसे होती है, एडसेंस से कैसे ब्लॉगिंग से आप पैसा कमा सकते हैं, एडसेंस का अप्रूवल के लिए क्या क्या गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी चाहिए, कब अप्लाई वगैरह करना चाहिए, हर चीज देखेंगे। एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है, एफिलिएट मार्केटिंग कैसे करी जाती है और क्या बेनिफिट इससे हो सकते हैं, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का क्या बेनिफिट्स हैं, फेसबुक एड्स के ऊपर में काम करेंगे, इंस्टाग्राम्स के ऊपर में हम एड्स जो है वो रन करेंगे। देन उसके बाद में डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी का इस्तेमाल जो है, कैसे एक डिजिटल मार्केटर जो है अगर उसके पास में कोई क्लाइंट आता है तो कैसे कैसे टेक्निक्स का इस्तेमाल करके उनके बिजनेस को जो है ग्रो करवा सकते हैं, क्योंकि एक डिजिटल मार्केटर जरूरी नहीं है कि वो हर बिजनेस का नॉलेज उसके पास में हो, लेकिन एक डिजिटल मार्केटर किसी भी बिजनेस को जो है ग्रोथ पे ला सकता है, चाहे वो लीड जनरेशन के थ्रू हो, प्रोडक्ट या फिर सर्विस को सेल करना हो। देन फाइनली सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है, डिजिटल मार्केटिंग हम सीख तो लेंगे लेकिन उसके बाद में जो हमारे पास में क्लाइंट्स हैं वो कहां से आएंगे, वो कैसे आएंगे, तो यहां पर आपको इस फ्री कोर्स के अंदर ये भी सिखाया जाएगा कि किस तरीके से आपको जो है ये क्लाइंट्स मिलने वाले हैं। तो ये पूरे मॉड्यूल्स हैं जो हम यहाँ पे 2 महीने के अंदर कवरअप करने वाले हैं। 2 जुलाई से ये बैच जो है वो स्टार्ट होने वाला है, तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है तो आप जो है यहाँ पे सीरियस हो अपने डिजिटल मार्केटिंग करियर को लेके, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, सीधा ऑफिशियल वेबसाइट हमारी है, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया, उस पर क्लिक करना है, आप आ जाएंगे इस पेज के ऊपर में। यहाँ पे आपको एनरोल नाउ पे क्लिक करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपकी ईमेल आईडी डालना है, उसके ऊपर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी आपको डालना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है, अपनी पूरी डिटेल फुल करनी है और सबमिट कर देना है। बस इतना ही आपको प्रोसेस करना है और मैं आपको मिलूंगा डायरेक्टली 2 जुलाई को लाइव क्लासेस के अंदर, जो कि क्लासेस आपका टाइमिंग रहने वाला है 5 PM to 6 PM, यानी कि 1 घंटे की आपकी क्लास होगी। तो एक चीज आपको यहां पे ध्यान रखने वाली ये है कि आपने अगर ज्वाइन किया है तो इट इज मैंडेटरी कि आप जो है क्लास के अंदर मैक्सिमम टाइम जो है वो प्रेजेंट रहें, क्योंकि अगर आप प्रेजेंट रहेंगे तो अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो डेफिनेटली हर सेशन के एंड में आपको जो डाउट्स पूछ सकते हैं और डाउट्स का जो भी आपका डाउट्स है उसको क्लैरिफाई देन एंड देयर जो है वो किया जाएगा। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं डिजिटल मार्केटिंग लर्न करने के लिए, 2 महीने का कोर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो बिगनर से लेके नो मैटर आपको कुछ नॉलेज है या नहीं है, लेकिन बिगनर से लेके बिल्कुल एडवांस लेवल तक हम इसमें जाने वाले हैं। मॉड्यूल्स मैंने सारे आपको कवर करके बता दिए कैसे क्या रहने वाले हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो सिंपली डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया, उस पर क्लिक करें और 2 जुलाई से पहले पहले यानी कि 1 जुलाई तक शाम को 5 बजे तक जो है आप एनरोलमेंट कंप्लीट कर लें, ताकि हमारी टीम जो है वो आपको टाइम रहते ही रेस्पेक्टिव जो लाइव क्लासेस का ग्रुप है उसके अंदर आपको एनरोल कर दे। उसके बाद अगर आप एनरोल करना चाहते हैं, मतलब 2 जुलाई तक अगर आप मान लो किसी भी कारण से मिस कर जाते हैं तो डोंट वरी, उसके लिए जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर एक व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया गया, उस पर क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें। जैसे ही जुलाई के अंदर आपका नेक्स्ट बैच स्टार्ट होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको वहां पे दे दिया जाएगा और वहीं पे आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप गाइस कि ये पूरा कोर्स आपको जो है काफी बेनिफिट देगा और मैंने ये इनिशिएटिव लिया है, टीजीएम इंफोटेक ने ये इनिशिएटिव लिया है, एक फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स जो कि लाइव रहने वाला है, बिल्कुल फ्री रहने वाला है, सिर्फ सीरियस लोग ही इसमें एनरोल करें। ये बार बार बोल रहा हूं क्योंकि फ्री में
जबरदस्ती हम डेटाबेस अपना नहीं भरना चाहते, इसलिए बार बार बोला जा रहा अगर वाकई सीरियस है डिजिटल मार्केटिंग के लेके तो ही आप इस कोर्स में एनरोल करें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय।